मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि बादशाह आई थिंक जो मैंने सुना है बहुत कभी वल्गर नहीं हुआ, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें नहीं लेके आया जो सोसाइटी को हार्म करे। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बड़े टाइम बाद मैं सोच रहा था कि कुछ होना चाहिए, मतलब क्योंकि मेरा बड़े टाइम का मन था कि मैं प्राइवेट म्यूज़िक करूं, सूफी म्यूज़िक करूं, पर अभी थोड़े टाइम से मैं मन बनाया था कि मैं बॉलीवुड भी करूं, क्योंकि बॉलीवुड की रीच अब बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे लगता है कि प्राइवेट सारा म्यूज़िक जो है वो बॉलीवुड ने उसको कैप्चर किया है, अपने अम्ब्रेला के नीचे लिया है। तो एकदम मुझे टी सीरीज़ का फ़ोन आया और ये कोका जो है, हम लोग थोड़े दिन पहले ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था सलमान बाजी के साथ और बादशाह सलमान सारे लोग थे, हम लोग रितेश देशमुख चंडीगढ़ में, तो सलमान बाजी ने मुझे बोला वो गाने के लिए, मैंने एकदम गाना गाया और मुझे नहीं पता था कि वो बॉबी देओल उनके वहाँ से लाइव हो रहा है। मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि बादशाह आई थिंक जो मैंने सुना है बहुत कभी वल्गर नहीं हुआ, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें नहीं लेके आया जो सोसाइटी को हार्म करे। तो कुछ रैपर हैं जो सोसाइटी को हार्म करने वाली चीज़ें वो एथिक नहीं रखते वो, मगर बादशाह को मैं पर्सनली भी मिला हूँ, बड़ा शाही बंदा है और तहजीब वाला बंदा है, कभी मैंने उसको ऐसे नहीं देखा कि बहुत सारी चैनें पहन के आ गया और पीछे हटा रहे हैं लोग, यहाँ कुछ ऐसा नहीं, आराम से सिंपल बातचीत करता है और वो अच्छी चीज़ लगती है और वो एक अच्छा मैसेज भी जाता है लोगों के पास कि ये इतना बड़ा स्टार जो है हम्बल है। दिल ले गई कुड़ी गुजराती जब गाना किया था हमने, उसके पहले मैं पंजाब में काम कर रहा था बहुत सारा, मगर जब वो टाइम्स म्यूज़िक ने वो गाना किया, टाइम्स म्यूज़िक नया था, मैं भी नया था, मैं नहीं आना चाहता था, मेरा मन नहीं था कि मैं नेशनल पे गाऊं क्योंकि मैं पंजाब में थोड़ा हिट था, मगर वहाँ अरुण अरोड़ा जी हैं हमारे जो CEO होते थे उस टाइम, प्रेसिडेंट होते थे टाइम्स के, उन्होंने मुझे गांव से लेके आए, प्रमोद शंकर रवि, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से वो दिल ले गई कुड़ी गुजरात दिखवाया था। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।